आने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में आगमन हुआ है और इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही थी। वो तस्वीरें भी अब आने लगी हैं। मैं चाहूंगी कि अपने पीसीआर डायरेक्टर से कहूं, ये देखिए, ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप यहां पर देख रहे हैं और यहां मंच पर इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी की जनता ने तीसरी बार फिर वही प्यार जिसकी बात, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि काशी की जनता से मेरा सिर्फ इतना रिश्ता नहीं है कि वोट दो और मैं कहूं कि मुझे वोट दीजिए, सिर्फ इतना भर रिश्ता नहीं है बल्कि अपनेपन का है। इस वोट के जो जो चोट या जो वोट देने लेने की बात है उससे कहीं ऊपर बढ़कर है। और इस वक्त यहाँ उस सम्मेलन में जहां पर किसानों से भी संवाद करेंगे वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो भेंट कर रहे हैं उनको किसान, साथ ही साथ आपको यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर नजर आ रही है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो राम दरबार उनको यहां पर भेंट करते हुए, और साथ ही साथ ये मंच की तस्वीर इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। जब पहली मर्तबा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन पिछली बार उन्होंने कहा कि गंगा माँ ने उनको गोद ले लिया है। वो दरअसल ये बता रहे हैं कि साल दर साल किस तरह से काशी की जनता से या माँ गंगा से या बाबा से, काशी विश्वनाथ की अगर हम बात करें तो उनसे किस तरह से उनका जो संबंध है और काशी की जनता साथ ही साथ कि किस तरह से वो संबंध और प्रगाढ़ हर बढ़ते दिन के साथ होता जा रहा है। इस वक्त वो तस्वीरें मंच से हम सीधी आपको यहां पर दिखा रखे हैं। मोदी जी, योगी जी यहां पर साथ साथ नजर आ रखे हैं और आज पूरी तरह से अगर इससे इतर अब हम बात करें अगर काशी की जनता से तो जो किसान है उन किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार जीत के बाद थोड़ा सा काशी की जनता को इंतजार करना पड़ा कि प्रधानमंत्री उनके कब यहाँ पर आएंगे और उनका ये आभार जताने के लिए जो पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पहले उनकी व्यस्तता थी, इटली उन्हें जाना था G7 के लिए और इसीलिए प्रधानमंत्री को जैसे ही वहां से जब वो फ्री होते हैं उनको मौका मिलता है फिर उसके बाद वो सबसे पहले जो काम करते हैं काशी की जनता का धन्यवाद देने के लिए, काशी की जनता का आभार प्रकट करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए। इस वक्त मंच पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि काशी को मोदी का ये धन्यवाद। जीत के बाद पहली बार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है, काशी आगमन उनका हुआ है, लगातार तीसरी बार मोदी ने काशी से ये जीत हासिल की है। जनता का आभार जताने के लिए मोदी का ये बनारस दौरा है, मोदी इस वक्त काशी में मौजूद हैं, उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है और साथ ही साथ वो मोमेंटोस जो हैं और साथ ही साथ वो जो भेंट है वो स्टैचू वो उनको वहां पर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 17 घंटे वाराणसी में रहेंगे, 10 अश्वमेध घाट पर गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद शामिल होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आरती के बाद काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे, आज वहीं रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।